सो यहाँ पे अगर देख लीजिए हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अपडेट के अंदर जो पेट रहने वाला है, जो भाई एक पपी रहने वाला, इस तरह का आप लोग का एक न्यू पेट देखने मिलने वाला हमारे आने वाले अपडेट के अंदर। एंड इसके साथ साथ गाजर पे बात करने वाले आने वाले हमारे न्यू ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने सारे इमोट्स है, जिसका मैं रिव्यू आज के वीडियो में आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई आने वाले अपडेट के अंदर हमारा न्यू इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है, जिसमें हमारा आने वाला समर से रिलेटेड। एंड इतना ही नहीं, काफी टाइम से आप लोग एंजेलिक पैट का वेट कर रहे हो हमारे गेम के अंदर, एंजेलिक पैट का इवेंट कब आने वाला भाई। ट्रेंड सेक्शन में एंजेलिक पैट ऐड होने वाला, जिससे रिलेटेड आप लोग को स्पेशल इवेंट साथ ही अगर हमारे गेम के अंदर आपसे को देखने मिले वाला उससे रिलेटेड इमोट, जो भाई लिटरली काफी जहर होने वाला है। यार आने वाले अपडेट से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आपके लिए मैं कलेक्ट करके लाया हूं, क्योंकि आने वाले हमारे नेक्स्ट अपडेट के अंदर बताया जा रहा है स्पाइडरमैन के साथ न्यू कोलैबोरेशन इवेंट आप लोगों को गेम के अंदर शायद से देखने मिल सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे गेम का रिमोट एंड बंडल आने वाले हैं। काफी सारे अपडेट्स आपके लेकर आया है, साथ ही जो हमारा क्रिमसन इवेंट स्टार्ट हुआ है गेम के अंदर, जिससे रिलेटेड आप लोग को हमारे गेम के अंदर गोल्ड से रिलेटेड एक इवेंट देखने मिलने वाला है। साथ ही आप लोग को बिल्कुल पीक डे के टाइम पे एक इमोट मिलने वाला है, जिससे रिलेटेड आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। इन सारे अपडेट्स के साथ जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इन सारे अपडेट्स को डेली देखने के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पढ़े आपके लिए ऐसे ही फ्री फायर सेलेक्टेड वीडियो लाता रहता है। एंड आज हमारे गेम पर एक न्यू आ चुका है मोकोस्टर, जिसमें फिस्ट का स्किन एंडर देख सकते हो, मुझे काफी कम डायमंड पे ये जो फिस्ट का स्किन मिल चुका है, क्योंकि भाई काफी सारे लोगों को ये काफी कम डायमंड मिल रहा है। एंड गाइस अगर आपके पास स्टैमर्ड नहीं है तो यार क्या कर रहे हो, आप लोग को काफी मस्त ट्रिक मैं बताने वाला हूं। आपसे को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिलने वाला है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग सबसे पहले इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का साइज काफी कम है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसे फटाफट आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना, देन इसके बाद आप लोग इसे फटाफट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है, जहां पे अपना न्यू मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना। देखो बार बार मैं बता रहा हूं, न्यू मोबाइल नंबर एंटर करना, देन जिसके पास आपके पास ओटीपी आने वाला है जिसे फटाफट आप लोग यहां पे फिलअप कर देना। एंड यार 300 लोग जो पहले जाने वाला, जिन्हें को रेडमी कोड मिलने वाला, यहां पे गाइस लेफ्ट हैंड में आप लोग क्लिक करना, बोनस समरी का आप लोग ऑप्शन देखने मिलने वाला, जहां पे आप लोग को रेडीम कोड देखने मिल जाएगा। रेडीम कोड पे क्लिक करना, आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाकर इस वाले रेडीम कोड फटाफट से रेडीम कर लेना, न्यू मोबाइल नंबर से ट्राई करना, 100% आप लोग को मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन, तो आप बात करने वाले हैं काफी सारे अपकमिंग अपडेट एंड इवेंट के बारे में। देन सबसे पहले आप बात करते हैं, आज ही हमारे गेम के अंदर 48 गेम्स का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और इससे रिलेटेड आप लोग को काफी सारे इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। सबसे पहले गाइस अभी बात करते हैं, जल्दी ही आप लोग को गोल्ड से रिलेटेड हमारे गेम के अंदर एक इवेंट देखने मिलने वाला है। अभी फिलहाल के लिए आज टोकन कलेक्ट करने के लिए आप लोग को काफी सारे मिशन को दिया गया है, एंड आप लोग को जल्दी हमारे गेम का एक और भी इवेंट आने वाला है। बाहर के काफी सारे सर्वर में जो इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट किया गया है, एंड इंडियन सर्वर के अंदर भी आप लोग को लाकर देने वाला है, जहाँ पे आप लोग को टोकन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज में आप लोग को काफी सारे गोल्ड मिलने वाला है। यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे डेली कस्टम रूम कार्ड दिया जा रहा है, बट इंडियन सर्वर के अंदर शायद से कस्टम रूम कार्ड ना मिले, लेकिन इसके जगह पे आप लोग को गोल्ड काफी सारे मिलने वाला है, क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड काफी सारे इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है। जो नेक्स्ट जो आने वाला अपडेट के अंदर हमारा डायमंड रोल भी रहने वाला है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को कल के वीडियो में अपडेट बताया था, जो हमारे गेम के 1 जून से आने वाला, वो भी आप लोग को नेक्स्ट आने वाले अपडेट से गोल्ड से ही स्पिन होने वाला है। तो भाई गोल्ड का काफी ज्यादा डिमांड रहने वाला, जिस वजह से गोल्ड से रिलेटेड गेम के अंदर लाने वाला इवेंट पीक डे तक आप लोग को ये जो इवेंट है हमारे इंडियन सर्वर एंड बांग्लादेश सर्वर के अंदर भी इवेंट देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को क्रिएट्स मिलने वाले हैं, और क्रिएट्स के अंदर आप लोग को काफी सारे गोल्ड मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं बिल्कुल फ्री में मिलने वाला इमोट्स के बारे में। देखो बांग्लादेश एंड इंडियन सर्वर को छोड़कर बाहर के जितने सारे सर्वर है जिसके अंदर इमोट बिल्कुल फ्री में दिया गया है। एंड इंडियन सर्वर एंड बांग्लादेश सर्वर के बारे में अगर बात करें, तो देखो गिना फीपर ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें बताया गया ओरियन कैरेक्टर को अनलॉक करने के बाद आप लोग को ओरियन कैरेक्टर से रिलेटेड काफी सारे कलेक्शन आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला, एंड इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को इमोट को भी दिखाया गया है। एंड मैंने आप लोग को बताया भी था कि भाई ये वाला इमोट आप लोग को इंडियन एंड बांग्लादेश सर्वर के अंदर शायद से बिल्कुल फ्री में दिया जा सकता है, क्योंकि काफी सारे सर्वर में ऑलरेडी कंफर्म है, तो इंडियन सर्वर के अंदर भी मिलने वाला है। देख लीजिए हमारे गेम के अंदर आने वाले इस वाले इवेंट का जो पीक डे रहने वाला है, आई मीन 20 मई को आप लोग को प्ले टाइम के लिए एक इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने मिल सकता है, जिसमें आप लोग को स्टार मैचेस खेलने के लिए यहाँ पे देख सकते हो 150 मिनट मैचेस खेलने के लिए आप लोग को बिल्कुल फ्री में इमोट मिलने वाला है। जो भी बोलो इमोट्स काफी मस्त रहने वाला, आपको ये इमोट कैसा लगा है जो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट आने वाले अपडेट से रिलेटेड, काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद आपको जाना है हमारे गेम के अंदर आने वाले इमोट पार्टी इवेंट के अंदर जो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, जिसके अंदर कौन कौन से इमोट्स आने वाले हैं, साथ ही नेक्स्ट आने वाले वो भी अपडेट से रिलेटेड जो इमोट्स आने वाले हैं जिसके अपडेट के बारे में। तो भाई वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर नहीं आ रहे हो तो भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर डे आपके लिए ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड लेटेस्ट एक्सक्लूसिव न्यूज लाता रहता है आप सभी के लिए। एंड अगर न्यू आ रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, एंड इतने सारे काम अगर आपने मेरे लिए कर दिया है तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजेलिक पैट से रिलेटेड इवेंट के बारे में। वैसे देखो एंजेलिक पैट का इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला था रमजान के टाइम पे, लेकिन यार गिना फीफा ने उसे डिले किस वजह से किया मुझे नहीं पता, बट यार आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को एंजेलिक पैट से रिलेटेड हमारे गेम के अंदर कंफर्म इवेंट आने वाला है। एंजेलिक पैट को गिना फीफा ट्रेंड सेक्शन में एड करने वाला है, जिस वजह से इमोट्स एंड काफी सारे रिवार्ड्स आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला नेक्स्ट आने वाले वो भी अपडेट के अंदर। यहाँ पे गाजा देख लीजिए एंजेलिक पैट से रिलेटेड आप लोग को एक एक्सक्लूसिव इमोट देखने मिलने वाला नेक्स्ट आने वाली वो भी अपडेट के अंदर, जो लिटरली काफी खतरनाक है। विंग्स का इमोट आप लोग
को नेक्स्ट आने वाली अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो भाई काफी मस्त लग रहा है देखने में। आप लोगों को इमोट कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जो ओनली के थीम पे रहने वाला है हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को इवेंट देखने मिलने वाला है। अभी देखो फिलहाल के लिए बताना तो काफी मुश्किल है कि इवेंट कब स्टार्ट होने वाला है गेम के अंदर, बट इतना कंफर्म है कि जल्दी आप लोग को इवेंट गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। तो भाई जितने सारे लोग एनली पॉइंट के इवेंट का वेट करो भाई, थोड़े टाइम के लिए वेट कर लीजिए क्योंकि इवेंट गेम के अंदर आने वाला है। आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था हमारे गेम के अंदर आने वाले अपडेट के अंदर आईएमएनआर आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर आने वाला इमोट पार्टी का इवेंट, जिससे रिलेटेड गिना फीफा ने एक सर्वे करवाया था जिसके अंदर काफी सारे इमोट्स को ऐड किए गए थे। अंदर इससे रिलेटेड एक इमोट भी मैंने बताया था जो फिलहाल के लिए गेम के अंदर नहीं आया है। आने वाले जो हमारे एडवांस सर्वर है जिसके फाइल में ऐड कर दिया गया है इमोट, यहाँ पे देख लीजिए ये जो भाई समर का इवेंट से रिलेटेड ये जो इमोट रहने वाला है, जिससे गिना फीफा नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को इमोट पार्टी इवेंट के अंदर लाकर देने वाला। इमोट लिटरली काफी मस्त है, यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार का इमोट आप लोग को देखने मिलने वाला है, जो भाई काफी ज्यादा मुझे लगा है मस्त, जो आने वाले हमारे इमोट पार्टी इवेंट के अंदर देखने मिलने वाला। वैसे फिलहाल के लिए अपडेट आ रहे हैं हमारा जो लोल इमोट है जिसे भी गिना फीफा रिटर्न करने वाला आने वाला इमोट पार्टी इवेंट के अंदर। हमारा थ्रोन्स इमोट, रोज इमोट, इन सारे इमोट पे काफी ज्यादा वोट हुआ है, जिस वजह से गिना फीफा आने वाले हमारे नेक्स्ट मंथ के 10 से 15 तारीख तक जो इमोट पार्टी इवेंट लाने वाला है, जिसमें आप लोग को रिटर्न में इन सारे इमोट्स को लाकर देने वाला है। तो भाई थोड़े टाइम के लिए वेट कर लीजिए, इमोट पार्टी हमारे गेम के अंदर आने वाला है। अब हर बार की तरह इस बार भी कुछ न्यू अपडेट्स मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। गाइस यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर एक पेट निकल कर आ रहा है जो आप लोग को देखने मिलने वाला है। गाइस एक पपी रहने वाला है जो नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को देखने मिलने वाला है। इससे रिलेटेड आप लोग को एक्सक्लूसिव इमोट भी देखने मिलने वाला है, जो भाई इमोट साथ में आने वाला इस वाले पेट के साथ, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो कैरेक्टर के साथ साथ अप्लाई होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और भी इमोट्स आने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक व्हीकल का इमोट आने वाला है। इसके साथ साथ और भी काफी सारे इमोट्स आप लोग को देखने मिलने वाला है, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब यार यहाँ पे बात कर लेते हैं जो स्पाइडरमैन का कोलैबोरेशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, जिससे रिलेटेड हमारे गेम का शायद से कोई इवेंट देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए देखो मैं बताता हूँ 100% कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे देख लीजिए एक इमोट निकल कर आ रहा है जो भाई स्पाइडरमैन के थीम पे ही डिजाइन किया गया है। एंड आप लोग मुझे बताना भाई ये जो इमोट है किसके थीम पे है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड आप लोग को इमोट्स एंड गाजर काफी सारे हमारे गेम के अंदर बंडल्स एंड और भी काफी सारे रिवार्ड्स गेम के अंदर देखने मिल सकता है। एंड इमोट भी गाजर इससे रिलेटेड निकल कर आ चुका है, तो भाई आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को शायद से स्पाइडरमैन से रिलेटेड एक्सक्लूसिव बंडल भी देखने मिल सकता है। इसके साथ ही मैंने आप लोग को कल के वीडियो में ही बताया था कि यार हमारे गेम के अंदर कोबरा बंडल के साथ साथ हमारे गेम के अंदर बोया का भी बंडल रिटर्न में लाने वाला है गिना फीफा। तो भाई आने वाले अपडेट के अंदर सबसे पहले कोबरा बंडल को ही गिना फीफा रिटर्न में लाने वाला है। कोबरा बंडल आप लोग को हमारे गेम के अंदर रिंग इवेंट में देखने मिलने वाला है, जो भाई बताया जा रहा है आने वाले हमारे नेक्स्ट मंथ के 10 से 15 तारीख तक होने वाला है। अब यार इस वाले बंडल का इतना ज्यादा डिमांड हो चुका है इंडियन सर्वर के अंदर, क्योंकि देखो बंडल में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है इस वाले बंडल को आपको अपग्रेड करना नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए गेम के अंदर जितने सारे बंडल्स डाले जा रहे हैं जिसे आप लोग को अपग्रेड करना पड़ता है, बट एक लौता ऐसा बंडल है जिसे आप लोग को अपग्रेड नहीं करना पड़ता। हाँ बोया का भी बंडल है, बट बोया का बंडल से ज्यादा मेरा जो फेवरेट है कोबरा का बंडल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओल्ड बंडल है और देखने में भी काफी ज्यादा मस्त है। कभी भी इसे आप लोग गेम प्ले करो भाई, देखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है। तो आप लोगों को क्या ओपिनियन है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑल टाइम मेरा फेवरेट कोबरा बंडल ही रहने वाला है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो देखो गाइस हमारे गेम का आपको पता ही है M10 से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे गेम का एक चल रहा है हमारा फेडल विल, एंड M10 से रिलेटेड हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियन के थीम पे आप लोग को एक जल्द ही टॉप इवेंट देखने मिलने वाला है। अब यार 100% कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता, बट इससे रिलेटेड ही टॉप इवेंट आप लोग को हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉप इवेंट के अंदर देखने मिल सकता है, जिसके अंदर आप लोग को टोकन्स रहने वाले अपग्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे रिवार्ड्स होने वाला है जो काफी सारे सर्वर के अंदर डाला जा रहा है, एंड इनर सर्वर के अंदर भी आने वाले नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है जो टॉप इवेंट आप लोग को देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं आ रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भी पढ़े आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। बताना कमेंट सेक्शन में आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मुझे मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, बाय गाइस, वीडियो को देखेंगे, धन्यवाद।